नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चन पांडे के ट्रेलर के बारे में, जो मैंने अभी अभी देखी। मुझे कैसी लगी, मुझे क्या पिक्चर का पोटेंशियल लग रहा है और फिल्म कैसा बिजनेस करेगी, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। सो कीप वॉचिंग। दोस्तों, बच्चन पांडे जो है वो एक तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक है, बट जो ट्रेलर मैंने देखा, मुझे ट्रेलर देख के बहुत ज्यादा मजा आया। इट इज लुकिंग एवरी बिट अ सॉलिड एंटरटेनर। फिल्म में अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये सारे ऑडियंस के सेक्शंस को दिमाग में रख के फिल्म बनाई गई। ये फिल्म में आपको एक्शन मिल रहा है, कॉमेडी मिल रहा है, गाने मिल रहे हैं, रोमांस मिल रहा है, भरपूर एंटरटेनमेंट मिल रहा है और इतना मनोरंजन ट्रेलर है, इतने गैग्स हैं, इतने पंचेज हैं, एक्शन भी उतना ही शानदार है और वो सारी चीजें बहुत ही कमाल की, दे हैव कम टुगेदर। और ट्रेलर देख के मुझे बहुत मजा आया, बहुत मुझे अच्छा लगा ये ट्रेलर। अक्षय कुमार इज लुकिंग फैंटास्टिक, ही इज लुकिंग एवरी बिट दैट मेनेसिंग पार्ट, बट वो जो ह्यूमर पोर्शन भी आ रहा है वो भी बहुत कमाल का आ रहा है। उसके बाद में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी फिल्म की, वो जो सपोर्टिंग कास्ट इतना शानदार है, आपको अरशद है, उसके बाद में आपको अभिमन्यु सिंह है और उसके बाद में बाकी जो एक्टर्स हैं, संजय मिश्रा हैं एंड माई सुपर फेवरेट पंकज त्रिपाठी जी हैं। तो इन सब के होने के बाद साथ में और अक्षय कुमार के साथ में कृति सनॉन इतनी अच्छी लग रही हैं और इन सारे एक्टर्स के साथ में आने पे आपको आप यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ धमाल दे विल क्रिएट जब ये सारे इतने टैलेंटेड एक्टर्स एक साथ एक फ्रेम पे आपको देखने को मिलेंगे। आप समझ जाइए कि आपका पैसा वसूल होने वाला है। इट इज एन एब्सोल्यूट, मतलब पैसा वसूल गारंटीड पिक्चर ये दिख रही है मुझे। बहुत मजा आया मुझे ट्रेलर देख के। सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत शानदार लग रहा है और सारी चीजों पे ध्यान रख के फिल्म को बनाया गया है। जो ट्रेलर में मुझे जो एक चीज नहीं दिखी, वो जो मुझे लगता है कि फिल्म में आगे जाके आपको जो पांडे साहब की बैक स्टोरी होगी वो उसमें प्रॉब्ली आएगा, जो फिल्म का इमोशनल कोर आएगा। तो अगर मैं एज अ ट्रेड एनालिस्ट इसको एनालाइज करूं तो इस पिक्चर ने किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये सारे वर्ग को अपील करेगी, जस्ट द वे सूर्यवंशी वॉज अपीलिंग टू ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंसेस। ये एक प्रॉपर में, जो ऐसे मैं बार बार बोलता रहता हूं, फोर क्वाड्रेंट फिल्म मेकिंग, ये बिल्कुल ही ये आउट एंड आउट कमर्शियल है। ये इसकी रीच एवरी ऑडियंस, थिएटर गोइंग ऑडियंस है, दिल्ली से लेके छोटे शहरों तक, बॉम्बे से लेके छोटे शहरों तक, ये सारे सेगमेंट्स को अपील करेगी क्योंकि ह्यूमर है, बहुत शानदार ह्यूमर है, बहुत लवली सपोर्टिंग कास्ट है, अक्षय कुमार हैं, बहुत बड़ा बैनर है और दो तीन गाने भी अच्छे होंगे। साजिद भाई हैं तो साजिद अडेट वाला की पिक्चर है, फराज समझी डायरेक्टर है, बहुत अच्छा ह्यूमर सामने आ रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एकदम बोल सकता हूं कि ये फिल्म बहुत ही शानदार ओपनिंग लगने जा रही है इस फिल्म को। इट्स गोइंग टू ओपन टेरिफिकली। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज कि इसके ठीक एक हफ्ते के बाद में ट्रिपल आर, तो ट्रिपल आर भी एक बहुत बड़ी पिक्चर है तो डेफिनेटली थोड़ा सा बिजनेस कैनिबलाइज करेगी, बट मुझे लगता है कि ट्रिपल आर एक अलग फिल्म है और ये एक बिल्कुल ही अलग फिल्म है। आई थिंक ट्रिपल आर विल ओपन फैंटास्टिक, बट एट द सेम टाइम बच्चन पांडे जो है वो फैमिली और इन सारे ऑडियंसेस पे आराम से अपने आप को सेकेंड वीक में अच्छे से निकालेगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो फिल्म में जो मैंने देखा है, जो मुझे दिख रहा है फिल्म में, और दो तीन हिट गाने आ जाएं और फिल्म में एक शानदार इमोशनल कोर आ जाए, एक इमोशनल कनेक्ट आ जाए बच्चन पांडे के कैरेक्टर के साथ में ऑडियंसेस का, तो देन स्काई इज द लिमिट फॉर दिस फिल्म। एंड आई थिंक अक्षय इज looking at probably his one of his all time highest grossers with Bachchan Pandey. Film bahut achhi lag rahi hai mujhe aur mujhe bilkul isme koi shak nahi hai ki ye film acha business karegi, sare centers pe acha business karegi, kya single screens ho kya multiplexes ho, aur aisi hi filmein, aisi hi theatrical filmein hame Bollywood se chahiye।
हमें ऐसी ही फिल्में चाहिए जो सारे वर्ग के लोगों को अपील करे और सारे लोगों को लुभाए। आप इसी तरीके की फिल्में बनाते रहिए और आप देखिए कि ऑडियंसेस वापस कैसे आ जाती हैं थिएटर्स पे। मैं ये नहीं कहता कि आप नीच फिल्में, छोटी फिल्में ना बनाएं, लेकिन कम से कम महीने में एक दो बच्चन पांडे तो आने चाहिए, बड़ी बड़ी फिल्में आनी चाहिए, मास मसाला कमर्शियल जो पूरे लोग भर भर के देखना चाहते हैं। तो बच्चन पांडे ट्रेलर फैंटास्टिक, लव्ड इट, पैसा वसूल, पिक्चर इज अ श्योर शॉर्ट हिट। अब देखना है कितनी बड़ी हिट होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड मैं फिर आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।